हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो अभी आपका आज DCM का मेजर 4 हुआ, इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो माई सेल्फ देवेंद्र अग्रवाल, टीम मैथ CLC सीकर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, अपने को कह रहा है ट्रायंगल ABC है जिसका सर्कम रेडियस कितना है 3 यूनिट्स और उसका एरिया अपने को दे रखा है कितना 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो कह रहा है कि अपन ने क्या किया, उस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं उनसे अपन ने एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, किस पे, अपोजिट साइड्स पर। जैसे ट्राइंगल है ABC और मैंने क्या किया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किस पर, BC पर, बी से ड्रॉप किया किस पर, AC पर। इसको नाम दिया D, इसको नाम दिया E और इसको नाम दिया मैंने F, ठीक है ना। सो तो आपसे वो क्या कह रहा है, आप आगे आपसे कह रहा है कि ट्राइंगल DEF इज फॉर्म्ड। ट्राइंगल DEF फॉर्म हो गया, इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हो गया, कौन सा वाला, ये, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में अपने से क्या कह रहा है वो, इस ट्रायंगल में अपने को ये बोल रहा है कि इसका पेरीमीटर फाइंड कीजिए। आप क्या फाइंड कीजिए, पेरीमीटर। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस DE प्लस EF प्लस D, देखो DE प्लस EF प्लस DF, ये कैलकुलेट करना अपने को क्या आएगा। करें शुरू। तो सबसे पहली बात क्या क्या गिवन था, एक तो कैपिटल R सर्कम रेडियस एंड क्या दे रखा है अपने को एरिया, दैट इज डेल्टा। क्लियर। तो एक काम करें अपन फटाफट से, ये बताओ मेरे को ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बनना है, पेडल ट्रायंगल। तो पेडल ट्रायंगल बनना है तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने को याद हो तो पेडल ट्रायंगल साइड होती है DE निकालनी है अपने को। जैसे तो DE कौन सी साइड है, DE वाली साइड है, ठीक है ना। तो इस DE साइड की लेंथ निकालनी है तो क्या होता है अपने पास R साइन कौन सा लेंगे, इसके साइड के जो अपोजिट आ रहा है यानी कि C, तो क्या हो जाएगा साइन 2C प्लस R। EF की लेंथ क्या हो जाएगी बताओ, EF के अपोजिट में साइड एंगल कौन सा आ रहा है, वर्टिसेस का A, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 2A प्लस R साइन 2B। क्लियर होगी वाली बात, ठीक है ना। बाकी इसको फाइंड भी करते हुए आप लोग है ना, प्रूफ तो आपने पढ़ाई होगा। आप ट्रायंगल ले लो है ना, राइट ट्रायंगल ले लो, पहले ये वाली लेंथ निकाल लो, कौन सी वाली, EC, फिर निकाल लो CD, तो फिर उसके बाद क्या लगा लो आप कोसाइन फॉर्मूला। तो इस वाले एंगल की हेल्प से, कोसाइन फॉर्मूला की हेल्प से ये आ जाता है अपने पास DF, ठीक है ना, DE DF एंड EF। सही है। तो फिलहाल तो आप लेकिन याद रखना है ना, तो क्या हो जाएगा R कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ गया साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C, ये आ गया, ये अपना आ गया साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में अपने काफ़ी मेहनत करी है ना, साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C क्या बन जाएगा, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला लगाओगे 2 बार तो ये सॉल्व होकर आता है अपना 4 साइन A। याद कर लो ये तो है ना, 4 साइन A साइन B साइन C। ये आपको प्रैक्टिस से इतना आना चाहिए कि हाँ ये तो इसकी वैल्यू तो ये होती है, ठीक है। तो 4 साइन A साइन B साइन C आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, ये इसको थोड़ा सा अपन और अच्छे से लिख लें, एक काम करते हैं है ना, हाँ आ जाओ। ठीक है, R दे रखा है अपने को 6, डेल्टा दे रखा है अपने को, R दे रखा है 3 एंड डेल्टा दे रखा है 6, ठीक है। आ जाओ। तो क्या हो गया अपने पास पेरीमीटर, पेरीमीटर आने वाला है अपने पास, पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल DEF। क्या आने वाला है, R इंटू 4 को बाहर निकाल लो। ये बताओ साइन A को क्या लिख सकते हैं मैं, साइन रूल से, साइन रूल से इसको लिख सकता हूँ A अपॉन R 2R और साइन B को लिख सकता हूँ B अपॉन 2R और C अपॉन 2R। ये भी याद है, साइन रूल है ना। इसके बाद क्या करेंगे बताओ, कैंसिल आउट कर दें इसको, तो क्या बच गया, एक R से एक R कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका ABC अपॉन 2R स्क्वायर, ये आ गया। अब अपने को दे क्या रखा है इसमें, सर्कम रेडियस दे रखा है तो R के लिए तो पुट कर देंगे अपन, बट बात करें ABC की तो अपन ऐसा करते हैं, डेल्टा दे रखा है अपने को तो इसको डेल्टा की फॉर्म में चेंज कर लें। ABC अपॉन 4 डेल्टा क्या होता है, R होता है, तो ABC अपॉन 4R क्या हो जाएगा, डेल्टा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 यहाँ पर ले लेते हैं अपन और R एक नीचे छोड़ देते हैं। क्लियर, आगे बात समझ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 6 इंटू 2 अपॉन में R कितना है 3, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो अपने पास जो पेरीमीटर वो कितना आ गया 4 यूनिट्स आ गया, क्या आ गया 4 यूनिट्स। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ पेडल ट्रायंगल, ठीक है। आगे चलें, चलो नेक्स्ट। तो अपने देख लें एक बार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2, क्या सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का आपको डिफरेंस बताना है क्या होगा। तो करते हैं शुरू। तो आपको पता है कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं फंक्शन पे। तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमम एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलते हैं अपने को, वहाँ से उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो फंक्शन की। तो एक काम करते हैं, निकालते हैं इसका एफ डैश एक्स। बताओ क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या है अपने पास x इंटू एल एन एक्स माइनस टू। दो फंक्शन है, इसको u मान लो, इसको v मान लो, है ना। ये तो फंक्शन, एक फंक्शन हो गया और एक दूसरा ये फंक्शन हो गया। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 1 हो गया इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है ये बात, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब x से तो x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास एल एन एक्स माइनस टू, ठीक है ना। अब एफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो करके अपन क्या निकाल लेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालें। तो क्या आ गया 2 ई स्क्वायर आ गया, है ना, क्या आ गया ई स्क्वायर, समझ गए ना। एल एन का बेस क्या होता है, ई होता है, तो उधर से 2 जाएगा तो ई स्क्वायर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई ई स्क्वायर। अब मेरे को क्या मिल गया, एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर मिल गया। अब आप चेक कर लो कि ई स्क्वायर पे क्या हो रहा है। अच्छा, इंटरवल अपने को क्या देखा है, 1 से ई स्क्वायर देखा है, तो 1 से ई स्क्वायर देखा है अपने को, है ना, इंटरवल ई स्क्वायर आ रहा है। चेक करो जरा, एल एन एक्स माइनस टू प्लस 1 भी था, ये गायब कहाँ से हो गया, प्लस 1, तो एल एन एक्स माइनस 1 आएगा, है ना। इसका मतलब ई की ये क्या आएगी वैल्यू, ई आएगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ई आएगी। एक्स की वैल्यू ई आएगी, तो इंटर जो अपना क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, जो एक्स इक्वल टू ई आ रहा है, ये पॉइंट कहाँ कर रहा है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है आराम से, है ना। किस में लाई कर रहा है, 1 से ई में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपन चेक कर लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है। तो देखो फटाफट से मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं फटाफट से, है ना। तो देखो F1 की वैल्यू पहले बताओ क्या आ रही है, F1 की वैल्यू क्या आएगी, F1 की वैल्यू आ जाएगी -2, सही है ना। F1 की वैल्यू log 1 वैल्यू 0 एंड -2 इंटू 1 -2। Fe की वैल्यू बताओ क्या आएगी, Fe, E पर वैल्यू निकालो, तो E पर वैल्यू आ रही है इसकी 1 -2 -1 और माइनस का E, तो ये आ गई माइनस ई। एंड लास्ट F ई स्क्वायर और निकाल दो फटाफट से ना। तो F ई स्क्वायर निकालोगे क्या हो जाएगा, देखो E स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2, 2 -2 0, तो ये तो क्या होगी वैल्यू 0 होगी। तो कुल मिला के अपने पास क्या आ गया, समझिए ना, log ऑफ ई स्क्वायर 2 आगे चला जाएगा, log a टू द पावर m क्या होता है m log a, तो क्या हो जाएगा वहां से वो 2 -2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी वाली है, इनमें मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, यही तो होगी माइनस ई, माइनस 2.7 लगभग, है ना। तो माइनस ई सबसे छोटा है और सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा है इसमें 0, सबसे बड़ा कौन है 0। तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन क्या आ रही है इसकी, ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है अपनी माइनस ई, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ रही है -2, उल्टा बोल दिया ना, क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ रही है इसकी, देखो लिखता हूं ना, एफ लीस्ट कितना आ रहा है -e, एफ ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ रही है 0, तो ग्रेटेस्ट माइनस लीस्ट क्या हो जाएगा 0 माइनस -e, दैट इज कितना आ गया ये e आ गया। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट। तो देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, अ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x इक्वल टू sec square t एंड y इक्वल टू cot t where t is parameter if the tangent at point p on the curve where t equal to π/4 meet the curve again at point q then find the length pq। तो एक काम करना है पहले से अपने को, समझ गए क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, पैरामीट्रिक फॉर्म में अपने को कर्व दे रखा है और इसमें एट पॉइंट p पॉइंट पर, है ना, हमने क्या किया टेंजेंट ड्रॉ करिए कर्व के। तो वहां पर अपने को जो टेंजेंट है वो क्या कर रही है, कट कर रही है अगेन कर्व को, कहां पर क्यू पॉइंट पर, कहां पर क्यू पॉइंट पर। तो अपने को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है, और ये देखा है जो पॉइंट है वो क्या है t इक्वल टू π/4 पर है। तो एक काम करते हैं छोटा सा, पहले तो इस पैरामीट्रिक फॉर्म को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, x और y के फॉर्म में ले आए पूरा। तो देखो x इक्वल टू क्या लिख दोगे इसको आप 1 + tan²t, तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू 1 + 1 अपॉन cot लिख दोगे इसको आप, तो cot t क्या है y, तो 1 अपॉन में क्या आ गया y स्क्वायर, ये आ गया। अब अपने पास ये कर्व है किसमें आ गया x और y में आ गया। अब एक काम करते हैं जो पॉइंट पे अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना है वो पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट क्या है t इक्वल टू π/4, तो t इक्वल टू π/4 पे x की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, π/4 बोले तो 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया sec 45 कितना होता है √2, तो x की वैल्यू तो आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब अपने को कुछ नहीं करना, बस पॉइंट दे रखा है, टेंजेंट ड्रॉ करना है इस कर्व के लिए। तो बताओ क्या करोगे आप, पहले dy/dx निकालोगे, चलो डिफरेंशिएट कर लो, dy/dx निकाल लो, क्या हो जाएगा 1 = 0 - 2 अपॉन y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका, देखना क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस, माइनस का आ गया वाई क्यूब अपन टू, माइनस का वाई क्यूब बाई टू आ गया। अब अपने को कहाँ पे निकाला था डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकाला था अपने को कहाँ पर, टू कॉमा वन पर। तो बताओ टू कॉमा वन पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का हाफ, क्या आ जाएगा माइनस हाफ। ठीक है यहाँ तक, तो ये आ गया अपना माइनस हाफ। अब अपने को क्या कह रहा था, और तो कुछ भी नहीं है, लेंथ पी क्यू निकालनी है सब अपने को, है ना। तो चलो देखो, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू x माइनस एक्स वन इंटू स्लोप माइनस हाफ। क्या हो जाएगा ये हो गया x प्लस टू वाई और क्या आ जाएगा प्लस का टू माइनस का माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये आ गया। ये क्या आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या कर रही है, इसको कट कर रही है दोबारा कहाँ पर, क्यू पर। तो कर्व के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से वैल्यू उठा के रखते हैं अपन, तो किसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ से अपन, एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी माइनस टू वाई प्लस फोर, इसको उठा के रखो उसमें कर्व में। तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, ये आ जाएगा माइनस टू वाई माइनस फोर प्लस फोर इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर। सॉल्व करो थोड़ा सा, तो ये आ गया टू वाई क्यूब, माइनस लगा दें, चलो माइनस लगा लेते हैं, माइनस का टू वाई क्यूब प्लस का कितना बचेगा थ्री वाई स्क्वायर बचेगा, वन माइनस कर दिया माइनस वन इक्वल टू जीरो। वाई की वैल्यू पुट करो उसमें, वाई की वैल्यू क्या पुट कर दूं, वन पुट करें पहले, यस वाई की वैल्यू वन क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या हो जाएगा सी सी से, वाई इक्वल टू वन इज अ फैक्टर, तो वाई इक्वल टू वन फैक्टर है, तो वाई माइनस वन, वाई इक्वल टू वन क्या है इसका सेटिस्फाई कर रहा है सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका एक रूट है तो वाई माइनस वन इसका फैक्टर होगा। तो उसको लिख लो, अब क्या हो जाएगा ये, ऐसा करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पहले एक बार, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्लस का तब भी हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा आपका प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ठीक है ना, और ये हो जाएगा प्लस। अब कर दो, ये क्या आ गया टू वाई स्क्वायर और आगे चलो माइनस का टू वाई स्क्वायर आ गया, तो माइनस का वाई और चाहिए इसको, और क्या चाहिए अपने को, प्लस का वाई आ गया तो माइनस का वन चाहिए। अब सही है, अब इसका फैक्टराइजेशन कर लो, तो वाई माइनस वन इंटू कितना हो गया ये टू वाई माइनस कितना आएगा ये माइनस टू वाई प्लस वन, सही है ना, टू वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का वन। ठीक है ये आ गया, अब सोच नहीं करना आपको। देखो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, दो आ रही है वन वन, इसका मतलब वो पॉइंट है जहां पे वैल्यू, जहां पे टेंजेंट क्या कर रही है इसको टच कर रही है, जहां टेंजेंट क्या कर रही है टच कर रही है किसको, कर्व को। तो वन तो वो पॉइंट आ गया, और बाकी माइनस हाफ जो आ रहा है वाई इक्वल टू जो माइनस हाफ आ रहा है वो है पॉइंट क्यू के लिए, पॉइंट क्यू का वाई कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या करोगे बताओ, टेंजेंट में पुट कर दो, टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी ये रही, तो वाई की वैल्यू माइनस हाफ रखोगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस का वन यानी कि फाइव आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई फाइव। तो अपने को पी पॉइंट मिल गया, सॉरी क्यू पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया फाइव कॉमा माइनस हाफ, और पी पॉइंट क्या था अपना टू कॉमा वन। डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लोगे आराम से, कितना आ गया नाइन, नाइन और नाइन बाई फोर सोलह और नौ 23, है ना, डिस्टेंस आ गया ना, नाइन नाइन प्लस नाइन बाई फोर का अंडर रूट कर लोगे आराम से, सॉल्व कर लोगे। क्या क्या ऑप्शन थे अपने पास, कर लें कैलकुलेट, कितना आ रहा है ये नाइन, ये आ रहा है आपका नाइन प्लस ये आ गया नाइन बाई फोर, ठीक है ना, अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा नौ छत्तीस और नौ पैंतालीस, थ्री रूट फाइव बाई टू आ जाएगा, है ना, फोर्थ ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलें आगे नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अपने को इंटीग्रेट करना है इसको, सिंपल है क्वेश्चन, देखो क्या करेंगे, नीचे से पहले आप एक एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स टू द पावर फोर माइनस वन अपॉन में बाहर क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि आपने एक्स कॉमन लिया है, आगे मेरी बात सुनने, आपने x कॉमन लिया तो बाहर क्या है एक्स स्क्वायर और एक कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो क्या बचेगा यहाँ पर ऊपर तो बचेगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, और नीचे देखो क्या बच गया एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो ना, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो दे रखा है फंक्शन है ना उसका, इसका डेरिवेटिव है कौन, ऊपर वाला, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, वन का जीरो और इसका माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप देखो क्या है 3x² माइनस 1/x²। तो क्या बन गया ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसको आप t रखोगे नीचे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा dt। तो नीचे आ गया t² और ऊपर वाला बन जाएगा dt। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आ गया -1/t प्लस c और 1/t बोले तो कौन 1/ सेम x³ प्लस 1 प्लस 1/x प्लस c। तो एलसीएम ले लोगे क्या आ जाएगा अपना -x/(x⁴ प्लस x प्लस 1 ठीक है प्लस c। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना। तो अपन देखो ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे x इंटू दिस। तो जब भी ऐसे बाहर x से मल्टीप्लाई हो रहा ना अंदर फंक्शन है कोई भी तो अपन क्या करो इसमें P4 यूज करने की सोचो सबसे पहले आप है ना। आपने क्या किया आपको पता है कि किसी भी इंटीग्रल में यदि फंक्शन दे रखा है और लिमिट है अपनी क्या 0 to a लिमिट है तो आप क्या करो a minus f ऑफ a minus x करोगे तो देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधी सीधे अपन क्या करें पहले x की वैल्यू इसमें सॉरी P4 लगाया इसको i मान लो है ना। क्या मान लो i तो क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 to π minus x। अब अंदर तो फंक्शन है उसको देखो ध्यान से आप साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा देयर इज नो चेंज इन द एक्सप्रेशन। तो क्या आ गया तुम्हारा साइन एक्स आ गया प्लस कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा माइनस कॉस थीटा। बट आगे क्या है स्क्वायर है कॉस और वैसे भी कॉस कैसा फंक्शन होता है इवन फंक्शन होता है कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लौट के वही आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स और ये क्या हो गया डी एक्स। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दोनों को ऐड कर दो आप इसको और इसको तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई। अब देखो क्या होगा एक तो पाई मल्टीप्लाई होगा इस पूरे में फिर एक x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे में तो ये माइनस का x मल्टीप्लाई होगा और यहाँ प्लस का x है तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको ये पता है ना ये सब चीजें क्या होती हैं जब आपने कर रखे हैं क्वेश्चंस तो आपको पहले से ही सीधे क्लिक करेगा क्या कि x x कैंसिल आउट हो जाएगा सीधे पाई बचेगा पाई को मैं बाहर निकाल लूंगा सीधे ये स्टेप आना चाहिए दिमाग में ठीक है। तो क्या हो गया पाई इंटू साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। चलो कोई नहीं dx ठीक है। अब पाई तो बाहर आ जाएगा। अब आप देखो कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन है देखो आप ध्यान से। तो कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन है क्योंकि साइन ऑफ माइनस x तो माइनस साइन x होता है बट बाहर क्या है साइन स्क्वायर। तो ये भी कैसा है पॉजिटिव आएगा और ये भी क्या है ये तो है इवन फंक्शन। cos ऑफ माइनस x क्या होगा cos x। तो इवन फंक्शन है तो सीधे अपन क्या कर दूं मैं सीधे सीधे इसको लिख दूं 2i इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई तो बाहर निकाल लिया मैंने ट्वाइस ऑफ क्या 0 से π/2 और अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स डी एक्स ठीक है कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना बस सिंपली छोटा सा काम करना है। आपके सामने ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है अब देखो ध्यान से देखो। अब इसमें आप दोबारा से P4 लगाओगे P4 लगाने पर क्या होगा वही f ऑफ a माइनस x ठीक है ना। तो f ऑफ a माइनस x लगाओगे तो क्या होगा π/2 माइनस x ये तो बन जाएगा कॉस एक्स और ये π/2 माइनस x ये क्या बन जाएगा अंदर साइन एक्स। तो आपके पास जो दिखाई देगा इंटीग्रल क्या दिखाई देगा आपको अभी क्या है साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स वहां पे क्या जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ क्या बन जाएगा साइन एक्स। तो आप जब ऐड करोगे ना दोनों को किसको एक तो इसको 2 से 2 काट दो है ना 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो तो i इक्वल टू पाई इंटू दिस आ रहा है ना। तो जब आप ऐड करोगे तो पाई तो कॉमन आ जाएगा तो आपके सामने क्या नजर आएगा पता है आपको नजर आएगा फिर उस केस में ये आपको क्या नजर आएगा उस केस में ये नजर आएगा 2i इक्वल टू पाई तो कॉमन आ जाएगा अंदर आएगा 0 से π/2। तो देखो ये किस में चेंज हो चुका होगा cos x में। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b वो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2 को बाहर निकाल लेना अंदर इंटीग्रेशन किसका करना है सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। तो लिमिट क्या है अपनी 0 से π/2 और यहाँ पर कितना है 2i तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो i इक्वल टू कितना आ गया पाई इंटू π/2 दैट इज π²/2। क्लियर है बात। तो ये होगा इसका आंसर है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा ऑप्शन सही है देख लें इसका π²/2 ठीक है। ओहो क्या आएगा इसका π²/2 ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन दिस वन। इसका अपने को एरिया निकालना है ना इसका एरिया निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अपने को ये चेक करना है कौन सा वाला एरिया मेरे को चाहिए है ना एरिया कौन सा निकालना है। तो देखो आ जाओ सबसे पहले क्या करेंगे बताओ ये अपने को दिख रहा है एक पैराबोला है ना है। तो मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं किसका x² प्लस 3x इसका ग्राफ बना लूं मैं पहले। बताओ क्या होगा कहां से पास कर रहा है ये 0 और -3 ठीक है। अब ये तो पॉइंट हो गया अपना 0 0 ये हो गया -30। खैर जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। चलो आगे, अब अपने को क्या चाहिए, y लेस देन इक्वल टू दिस, y लेस देन इक्वल टू x2 + 3x, यानी कि y छोटा होना चाहिए इससे। तो कौन सा वाला पोर्शन हो गया, बाहर वाला पोर्शन हो गया सारा सारा नीचे वाला। और आप चाहो तो आराम से करना है आपको, है ना। तो क्या कर लो, आप एक पॉइंट ले लो इधर की तरफ, ये ले लेते हैं 5,0। तो 5,0 चेक कर लो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 5 आएगा इधर, 0 आएगा इधर। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें एरिया इधर वाला लेना है। इधर भी पॉइंट ले सकते हो आप, कोई पॉइंट ले लो, है ना, बाहर की तरफ का। अंदर की तरफ का लोगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट फॉल्स हो जाएगा ना इसमें रखने पर। चलो अब ये एरिया लेना है मेरे को इधर वाला, है ना। और क्या कह रहा था वो, और किस किस से घिरा होना चाहिए एरिया अपना, x 0 से लेकर 3, x 0 से लेकर 3, यानी कि x यहां से लेकर 3 में यहां पर ले लूंगे यहां पर, ठीक है। एक और लाइन ले लें अपन, एक लाइन ले लेते हैं ब्लू कलर। हाँ भाई, y 0 से 4, y 0 से लेकर 4, तो ये मान लेते हैं अपन, ये आ गया y इक्वल टू 4 लाइन है। तो 0 से 4 यानी कि यहां से यहां तक, 0 से 3 यानी कि यहां से यहां तक। तो इन दोनों से मिलकर जो एरिया आ गया वो कौन सा वाला आ गया, ये वाला एरिया आ गया, है ना। कौन सा वाला, ये वाला, है ना, कम दिख रहा होगा आपको, है ना, इधर वाला, ये वाला एरिया आ गया। अब ये एरिया मेरे को निकालना है ना। तो इस एरिया को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, अब आप ये एरिया निकालना है तो आप कुछ मत करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इसमें, ठीक है। एक तो ये वाला एरिया हो गया प्लस एक ये वाला एरिया हो गया, ये पैराबोला और ये वाला, ठीक है ना। तो निकालें, तो बताओ मेरे को आप एक बात छोटी सी, कि ये क्या थी, x इक्वल टू 3, और ये क्या है, y इक्वल टू 4। तो ये पॉइंट निकाल लोगे आप आराम से। ये पॉइंट क्या आएगा बताओ, ये पॉइंट आएगा आपका y इक्वल टू 4 पर। इसकी वैल्यू क्या आ रही है चेक करो, 4 रखेंगे यहाँ पर तो माइनस का 4, तो y x प्लस 4 इंटू x माइनस 1, है ना, x प्लस 4 इंटू x माइनस 1। तो x की वैल्यू आ गई एक तो -3 और एक आ गई 1। तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, 1,4 आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व आराम से, y इक्वल टू 4 यहाँ रख के, है ना, सॉल्व कर लोगे, 1,4 आ गया। ये पॉइंट क्या होगा, 3,4। तो बताओ इसकी रेक्टेंगल की विड्थ कितनी आ गई, 1, है ना, 1 नहीं आई, कितनी आ गई, 2 आ गई। इसकी विड्थ कितनी आ गई, 2, सही है। इसकी हाइट कितनी है, 4। तो इसका एरिया तो कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। तो एरिया तो हो गया 8 प्लस, अब बताओ रिक्वायर्ड एरिया, है ना, रिक्वायर्ड एरिया 8 प्लस एरिया कौन सा वाला रह गया, अब ये वाला। तो इसमें आप क्या करो, एक वर्टिकल स्टेप ले लो, ठीक है। वर्टिकल स्टेप लेंगे तो क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक मूव करेगी वर्टिकल स्टेप मेरी, 0 से लेकर कहां तक, x इक्वल टू 1 तक। तो 0 से लेकर 1 तक स्ट्रिप मूव करी अपनी, और ये स्ट्रिप जो है अपनी कहां से टच कर रही है, ऊपर कौन है, पैराबोला, दैट इज x2 + 3x माइनस क्या है, नीचे x एक्सिस है। तो y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ गया अपना आंसर, 8 प्लस, बताओ जल्दी से, x3 + 3x2/2 लिमिट 0 से 1, ठीक है। तो क्या हो गया, कुल मिला के सॉल्व कर लो इसको। तो ये आ गया आपका 8 + 1/3 + 3/2। तो सॉल्व करेंगे इसको, आंसर क्या आ रहा है देखो, 8 48 48 और 2 50 और 3 50 और 9 59 59/6 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, 59/6, है ना, ठीक है। तो ये वाला आंसर आएगा। चलें आगे नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ना, LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो x, एक काम करो x से डिवाइड कर दो पूरे को, है ना। तो क्या हो जाएगा, x ≠ 0 है, x से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, यहां से dy/dx + 2/x × y = x बचेगा, ठीक है। अब अपने को देखो, ये जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म बन रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं, याद है, सबसे पहले क्या निकालोगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, अच्छा याद दिला दूं थोड़ा सा, ये क्या होता है अपना px, ये क्या होता है अपना qx, सही है ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या करते हैं अपन, px dx, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px, बोले तो कौन, 2/x, तो यहाँ पर आ गया 2/x dx, क्लियर। अब 2 तो बाहर निकाल लो आप, और 2 को बाहर निकालोगे तो उसके बाद अंदर क्या बचेगा, देखो जरा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, है ना। बोलो क्या हो जाएगा, सीधे कर दूं मैं, लिख दूं, समझ में आ गया होगा। 2 तो बाहर निकालोगे, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, तो log x में 2 ऊपर चला जाएगा तो e की पावर में आ जाएगा 2 ln x आ रहा है एक्चुअल में, देखो ये, है ना। तो ये आ जाएगा x2, क्यों, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा और ln का बेस क्या होता है e, तो क्या हो जाएगा गायब, कौन, log, तो क्या बचा x2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद अपन क्या करते हैं, y into integrating factor equals to integration of qx into integrating factor है ना dx। तो क्या आ जाएगा बताओ, y into integrating factor यानी कि y x square equals to qx, qx क्या है अपना x, integrating factor क्या है x square dx। तो कुल मिला के ये क्या आ गया x की पावर 4/4 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x की पावर 4/4 प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से y x square। चलो इसको ये रहने देते हैं। अच्छा अब अपने को ये और कह रहा था कि x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को वैल्यू ऑफ c। सो वी विल गेट वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू कितना आएगा चलो 1 1 1 1 1 तो 1 minus 1 by 4 कितना हो गया 3/4। तो c का वैल्यू आ गया अपना 3/4, यू कैन पुट हियर 3/4, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चेक कर लोगे आराम से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। चलें आगे नेक्स्ट। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है अपने को। 8th क्वेश्चन में कह रहा है आपसे गिवन a 1,1 एंड ab इज एनी लाइन थ्रू इट कटिंग द x एक्सिस इन b। कहने का मतलब है a पॉइंट से कोई भी एक लाइन पास हो रही है और उस लाइन का नाम है ab, और वो पॉइंट b क्या है x एक्सिस पे जहां कट कर रही है लाइन वहां पर। तो एक काम करते हैं, इसका अपन पहले थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करें लाइन को। तो ये पॉइंट है a और ये a पॉइंट से लाइन जो ड्रॉ हुई है वो इसको कट कर रही है b पर, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं अपन α(0) और ये पॉइंट क्या है 1,1, और b से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है ना, विच इज क्रॉसिंग दिस y एक्सिस एट 0, β मान लेते हैं ना, एंड द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज c। अब क्या कह रहा है आपसे, मैंने bc को ज्वाइन कर दिया, किसको bc को ज्वाइन कर दिया। तो bc को ज्वाइन करने के बाद bc का जो मिड पॉइंट होगा, ये c पॉइंट है ना, bc का जो मिड पॉइंट होगा p, उसका अपने को लोकस बताना है, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो एक काम करें अपन छोटा सा, इसको मान लिया h कॉमा k। तो एक बार बताओ h तो क्या हो जाएगा अपना α/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, और k क्या हो जाएगा β/2। ये बात क्लियर है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2h और बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2k, सही है। अल्फा आ गया बीटा आ गया। अब ये बताओ 1,1 से पास हो रही लाइन, अच्छा ये एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो ये एंगल यदि 90 है तो इसका मतलब क्या हो गया स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC इक्वल टू क्या आएगा -1 आएगा। तो निकालो 1 - 0 अपॉन 1 - α इंटू 1 - β अपॉन 1 - 0 इक्वल्स टू -1। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1 - β अपॉन 1 - α इक्वल टू -1। क्लियर। अब अल्फा बीटा को यहाँ से उठा के रखते हैं अपन, 2h और 2k कर लोगे सॉल्व आगे, इक्वेशन बन जाएगी h और k में, ठीक है ना, कर लोगे ना। क्या आ जाएगा 1 - 2k और यहाँ आ जाएगा 1 - 2h इक्वल टू -1। सिंपलीफाई कर लेना, आ जाएगा आंसर h और k में। h को रिप्लेस करना है x से और k को रिप्लेस करना है y से, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है ये, दी सर्किल विद इक्वेशन दिस वन इंटरसेक्ट दी लाइन दिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स a एंड b, लेट c बी द पॉइंट एट विच द पॉजिटिव x एक्सिस इंटरसेक्ट द सर्किल, देन एंगल acb क्या होगा। तो इसका पहले अपन डायग्राम ड्रॉ करना, फिगर बनाए इसकी क्या बनेगी। तो देखो एक सर्किल है x² + y² इक्वल टू 1, तो इसका रेडियस कितना हो गया 1 हो गया, और सेंटर क्या हो गया 0, 0, 0। अब कह रहा है कि इंटरसेक्ट द लाइन y इक्वल टू 7x + 5, तो x की वैल्यू 0 करो तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 5 मिल रही है, यानी कि कहीं ऊपर से आ रही होगी 0,5 पॉइंट से पास हो रही है, और y की वैल्यू 0 करोगे तो x की वैल्यू -5/7, तो -5/7 है ना, समझ गए ना। y की वैल्यू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई -5/7, तो -5/7 क्या होता है 1 से छोटा होता है, तो कहीं यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये लाइन ऐसे आ रही है इसका मतलब, ठीक है ये लाइन आ गई। अब ये बताओ मेरे को ये पॉइंट क्या दे रखे हैं अपने को ए बी, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि जहां पर सी पॉइंट क्या है अपना ए बी, लेट सी बी द पॉइंट एट विच द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द सर्कल। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया राइट साइड वाला, ये सी पॉइंट है अपना, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि सी पर ना एंगल कितना बनेगा किसके तरफ से ए बी की, तो ये एंगल निकालना है अपने को। तो देखो क्या करेंगे, तो मेरे को ये एंगल निकालना है, तो सबसे पहले दिमाग में बात क्या आएगी कि इन लाइंस की इक्वेशन निकाल लेते हैं, एंगल बिटवीन लाइंस निकालेंगे। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, अपने को क्या सोचना है, देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ना। ये जो एंगल होगा ये क्या होगा डबल होगा इस एंगल का, यानी कि ये एंगल यदि अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा 2α, एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट, है ना। इस वाले सेगमेंट में सेम सेगमेंट बनाएगा जो एंगल, इसका एंगल का ये क्या होता है डबल होता है सेंटर पे बनने वाला एंगल। तो ये बताओ मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ तो ये एंगल निकल जाएगा अपने आप। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या करोगे आप एक काम करो आप लगाओ इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनेशन। कैसे, क्योंकि देखो एक ये कर्व है, इस कर्व को एक लाइन कट कर रही है 2 पॉइंट्स पर, तो अब मेरे को इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। यदि इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो याद है वो दिन आपने पढ़ा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कोई भी एक कर्व है उसको कोई भी एक लाइन कट कर रही है, ठीक है ना, तो उस लाइन से जो एंगल बनता है किस पर, ओरिजिन पर, वो एंगल अपन कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन से, मतलब कर्व को क्या करते हैं अपन होमोजेनाइज कर देते हैं ना, सेम डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं पूरे कर्व को। तो क्या करोगे आप, कर्व क्या है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कर्व क्या है अपना, इसको हटा दें, हाँ भाई कर्व क्या है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, 1 की वैल्यू कहां से निकालते हैं, याद है ना, 1 की वैल्यू लाइन से निकाल के सपोर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा y माइनस 7x अपॉन 5, y माइनस 7x अपॉन 5 और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो गया 25x स्क्वायर और यहाँ से 49, तो 49 में से 25 गया तो माइनस का 24 आ जाएगा इधर, और आगे चलो 25 वाई स्क्वायर आएगा और प्लस का वाई स्क्वायर, तो प्लस का कितना आ जाएगा 24 वाई स्क्वायर आ जाएगा और एक्स वाई में कितना आएगा 7 2 जा 14, तो प्लस का 14 एक्स वाई। अब अपने को ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये इसके बीच में एंगल निकालना है ना कि लाइन के बीच में एंगल कितना है। तो ध्यान से देखो ए प्लस बी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है अपना एंगल बिटवीन द लाइन्स निकालने का, एक्यूट एंगल कैसे निकालते हैं अपन, टेन इनवर्स मॉड ऑफ 2√h² - ab अपॉन a + b। तो a + b की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, दैट मींस दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री और ये एंगल यदि 90 है तो ये कितना बच गया 45, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 45, तो यानी कि क्या हो गया 45 डिग्री होगा, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको अपन tan इनवर्स 1। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेट a b एंड c बी सेट सच दैट phi इज नॉट इक्वल टू दिस। ओके ये कहना चाह रहा है देखो a इंटरसेक्शन b जो है ना वो phi नहीं आएगा। दूसरी बात A इंटरसेक्शन B जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, C का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसका मतलब सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो करते हैं शुरू। सबसे पहली बात क्या कहना चाह रहा है ये C इंटरसेक्शन A, C यूनियन A इंटरसेक्शन C यूनियन B। एक काम करते हैं कुछ सेट मान लो आप, है ना, कोई भी रेंडमली सेट मान लो 1 2 3। A इंटरसेक्शन भी फाइव नहीं है ना, तो अपने को कुछ एलिमेंट कॉमन रख लेते हैं ना, एक दो एलिमेंट कॉमन रख लो 2 3 4 ले लेते हैं ना, और C एलिमेंट के क्या है सबसेट हैं ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो इसमें सारे एलिमेंट ले लो, है ना 1 2 3 4 5 6 4 5 एलिमेंट ले लो, कोई भी ले लिए। अब आगे शुरू करो, अब इससे करो, है ना, तो C यूनियन A, C यूनियन A, A का यूनियन C के साथ क्या होगा 1 2 3 1 2 3 C आ जाएगा, और B यूनियन C के साथ ये भी C आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा C खुद ही हो जाएगा C, तो ये ऑप्शन तो सही है। A माइनस C करो, तो A में से C को माइनस करेंगे तो वो सारे एलिमेंट जो A में बचे, तो A में कौन से एलिमेंट बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा, A तो क्या बच जाएगा 5। A में से C को घटाओगे तो क्या होगा, सारे एलिमेंट कट गए, क्या बचा A में, कद्दू, कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या हो गया A इक्वल्स टू 5। A माइनस C कितना आ गया 5 आ गया, A माइनस C क्या आ गया 5। आगे चलते हैं, तो ये कह रहा है कि ये सबसेट है B का, यदि ऐसा होता है ये B का सबसेट बनता है, बिल्कुल B का सबसेट बनना है, 5 तो क्या होता है हर एक सेट का क्या होता है सबसेट होता है, तो A सबसेट होगा किसका B का, तो A B का सबसेट रहा होगा, तो A B का सबसेट होगा, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में आने चाहिए, तो क्या 1 आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है ना, ये फॉल्स है। नेक्स्ट A माइनस B करो, तो 1 आया था ये, तो A माइनस B, अच्छा ये तो 5 आया था, A माइनस B कितना आ रहा है देखो 1 आएगा नहीं आएगा, 1 ही तो बचेगा, तो A माइनस B यदि C का सबसेट है, बिल्कुल है सबसेट C का, तो A भी सबसेट होगा क्या C का, तो A सबसेट हाँ बिल्कुल है ना, है बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या हो गया a माइनस b यदि सबसेट है c का तो ये भी सबसेट है ना, इसमें आप एक एलिमेंट और ले लो एक्स्ट्रा क्या 7, तो आप कहोगे सर a माइनस b कर लिया मैंने, a माइनस b कर लिया, तब भी क्या होगा 1,7 बचेगा, तो यदि ये इसका सबसेट नहीं है तो उसका सबसेट भी नहीं बनेगा, है ना, तो ये भी ऑप्शन अपना सही है। लास्ट क्या है b इंटरसेक्शन c 5, b इंटरसेक्शन c 5, तो b और c का इंटरसेक्शन 5 नहीं है, 5 नहीं है ना, 5 नहीं हो सकता ना, क्योंकि a इंटरसेक्शन b यदि C का सबसेट है तो B इंटरसेक्शन C 5 नहीं हो सकता है ना, तो ये ऑप्शन भी सही है। चलें आगे, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है इसके हिसाब से, है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है हर साल, है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आने आना है, तो ध्यान रख लो, है ना, कुछ ही क्वेश्चन है जो आते हैं ना, तो टोटोलॉजी पॉलिसी, है ना, ये अच्छे से आने चाहिए आपको सारे, है ना। तो क्या कह रहा है दी नेगेशन ऑफ दी स्टेटमेंट, किसका स्टेटमेंट चाहिए अपने को, इफ ही स्टडीज देन ही विल गो टू कॉलेज और टू आर्ट स्कूल। तो देखो सिंपल सी, पहले तो आपको बता दूं नेगेशन का क्या मतलब है, जैसे इफ देन वाला क्वेश्चन जब आता है ना, तो मान लो पी, इफ पी देन क्यू ऐसे लिखा हुआ है, और अपने को क्या चाहिए, इसका नेगेशन करना है ना, क्या निकालना है इसका नेगेशन। तो क्या हो जाएगा ये P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये स्किप होता है किसके, P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो क्या कहना चाह रहा है आप देखो, इसको ऐसे बोलते हैं, यदि पढ़ने को बोल देते हैं P, इसको बोल देते हैं अपन Q और आर्ट स्कूल को बोल देते हैं अपन R। तो क्या कहना चाह रहा है ये, इफ P इज P, यदि P होता है देन क्या होगा, ही विल गो टू कॉलेज या फिर और आर्ट स्कूल, वो हो गया आर, सही है ना, पढ़ता है तो कहाँ जाएगा अपना, स्कूल या कॉलेज। तो अब इसका क्या करना है अपने को, नेगेशन निकालना है। तो नेगेशन निकालने के लिए क्या कर दिया, इसका नेगेशन निकाल लिया। क्या हो जाएगा ये किसके इक्विवेलेंट होगा, P एंड किसके नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ R, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो पढ़ता है तो ना तो स्कूल जा रहा है और ना ही कॉलेज। तो क्या हो गया, इफ ही स्टडी देन ही विल नाइदर देन, तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, एंड क्या आ रहा है अपना, एंड आ रहा है ना बीच में एंड, तो कौन सा वाला, फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, सेकंड वाले में क्या कह रहा है, इफ स्टडीड एंड ही विल नाइदर गो टू, इफ नहीं ही स्टडीज, ये आएगा है ना, थर्ड ऑप्शन आएगा क्या, वो पढ़ता है तो वो ना तो स्कूल जाएगा ना ही कॉलेज जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। चले आगे नेक्स्ट देखो, लेट एफ एंड थीटा इक्वल्स टू दिस देन, देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है अपने को, सीरीज को खोलना है। तो क्या करोगे आप, ऐसा करते हैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा अपॉन 2 to the power n अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 to the power n इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 to the power n minus 1। अब इन दोनों एंगल्स का आप डिफरेंस देख लो, है ना, इन दोनों एंगल का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, थीटा अपॉन 2 to the power n minus 1 माइनस थीटा अपॉन 2 to the power n, क्या आएगा 2 minus 1 अपॉन 2 to the power n minus 1, यानी क्या हो गया 1 अपॉन 2 to the power n आ जाएगा क्या, इन दोनों का डिफरेंस। तो इसको अपन लिख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो गया 1 to the power n इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना cos, यानी ये आ जाएगा साइन, छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस कर दो, है ना, जिससे कि रेसिप्रोकल में है तो वो पॉजिटिव भी रहेगा, है ना। थीटा को चाहो तो बाहर निकाल सकते हो वैसे तो, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलो नीचे क्या आ गया, cos थीटा अपॉन 2 to the power n cos थीटा अपॉन 2 to the power n minus 1। तो कुछ नहीं करना बस आपको, अब सॉल्व कर लेना है। क्या हो जाएगा sin a minus b, sin a minus b हो जाएगा अपना, चलो पहले थोड़ा सा और एक बार और लिख देते हैं इसको, sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b। तो sin a cos b, तो एक cos कट जाएगा किससे, 2 की पावर n से ना, अच्छा दोनों cos है ना नीचे, तो एक cos ये वाला कट जाएगा, तो sin अपॉन cos क्या बन जाएगा 10। तो इसको आप लिख दोगे 10 थीटा अपॉन 2 की पावर n minus 1। अब आगे चलो, माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a, इस बार cos के अंदर कौन आएगा, ये आएगा, तो इसमें छोटा वाला कट जाएगा तो ये बचेगा। तो नीचे क्या बच गया, इसका बचेगा ये, यानी कि ये हो जाएगा 10 थीटा अपॉन 2 की पावर n बचेगा इस बार, ठीक है। अब इसको खोल दो आप, तो क्या हो जाएगा ये, पहले n के लिए 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 10 थीटा अपॉन 1 रखोगे तो ये 0, यानी कि 1 माइनस 10, यहाँ पे क्या जाएगा थीटा अपॉन 2 की पावर 1, फिर आएगा 10 थीटा अपॉन 2 की पावर 1 और प्लस माइनस में क्या आएगा 10 थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर। तो चलते चलते कहाँ तक चलना है अपने को, n तक। तो क्या होगा देखो, इसमें कैंसिल आउट हो रहा है सेकंड वाला टर्म, इसका मतलब कौन सा बच रहा होगा, पक्का फर्स्ट बचा है तो लास्ट वाला बचेगा, यानी कि लास्ट में क्या आएगा माइनस में 10 थीटा अपॉन 2 की पावर n आएगा लास्ट में। तो क्या हो जाएगा, ये आ गया। तो एक काम करते हैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा देखते हैं, इसको हटा दूँ मैं, इसको हटा दूँ, है ना, क्या आ गया अपना 10, है ना, इसको हटा देते हैं। चलो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका एफ एन थीटा, ये आ गया सॉल्व के साइन 10 थीटा माइनस 10 थीटा अपॉन 2 की पावर n, ये आ गया। तो एक काम करते हैं अपन फटाफट से इसको 10 3 2π निकालना है, तो क्या हो जाएगा 10 2π तो हो जाएगा 0 और 10 2π 0 हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 2π माइनस 10 2π बाई 8 आएगा यहाँ पर 2 का क्यूब, सही है। n की वैल्यू जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ क्या रखना है अपने को 3, और जहाँ थीटा है वहाँ पे क्या रखना है 2π। तो 2π बाई 8 आ गया, तो कितना आ गया π/4, तो π/4 की क्या होती है 1 होती है, और 10 2π क्या जो 0 होता है, तो माइनस का बना गया ये। तो पहला ऑप्शन क्या है -1, ये तो ऑप्शन सही है। दूसरा कौन सा गलत है ये बताना है अपने को, है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे चेक करना है बस, कर लोगे f4 4π/3 क्या हो जाएगा 10 4π/3 माइनस 10 4π/3 3 इंटू 2 की पावर n, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सही है ना, 2 की पावर 4, तो कितना हो गया ये 4 4 जा 16, तो ये कितना हो गया π/12, तो 10 4 π/3 माइनस 10 कितना हो गया ये π/12, कितना हो गया π/12, ठीक है। तो क्या कितना हो गया ये, तो हो गया 2 माइनस रूट 3, ये तो कितना हो गया 2 माइनस रूट 3, और 10 4 π/3 को अपन क्या लिख लेंगे अपन पाई प्लस π/3, यानी कि माइनस का 10 π/3, तो माइनस 10 π/3 कितना हो जाएगा माइनस का √3, तो ये आ गया माइनस का √3, ये आ जाएगा माइनस का √3, और ये आ रहा है माइनस का 2 माइनस √3 होता है ये, तो माइनस का 2 प्लस का √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का √3, तो √3 कुछ गलती हुई शायद ना, 2 माइनस √3, 10 π/12, 10 π/12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या गलती हो गई है, 2 माइनस √3, 10 4 π/3 कितना था, पाई प्लस π/3 प्लस आएगा ना, प्लस आएगा है ना, 10 π प्लस π/3 कितना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट 10 के साथ पॉजिटिव होता है, तो कितना हो गया ये √3 और √3 कितना 2√3, यानी कि 2√3 - 2, 2√3 - 2 यानी कि 2 × √3 - 1, ये ऑप्शन भी सही है। ऐसे क्या चेक कर लो आप 5 और 4 π भी चेक कर लो है ना, तो इसमें क्या आएगा 10 π/8, और 10 π/8 की वैल्यू ध्यान रखना क्या होती है √2 - 1 होती है, बट इसमें ये वाला ऑप्शन गलत है ना, तो ये चेक कर लोगे आराम से, ठीक है, चेक करना है बस। चलें आगे नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी बीसी इक्वल टू 8, सीए इक्वल टू 6 एंड एबी इक्वल टू 10। एक ट्राइंगल में साइड से कोण गिवन है, अ लाइन डिवाइडिंग द ट्राइंगल एबीसी इन टू रीजंस ऑफ इक्वल एरिया इज परपेंडिकुलर टू एबी एट x, देन वैल्यू ऑफ bx क्या होगी। तो एक काम करते हैं, ट्रायंगल बनाने के लिए एबीसी, देखो ट्रायंगल एबीसी देखते समझाना चाहिए आपको, 6 8 10, यानी कि ट्रायंगल कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये तो बीसी कितना है 8, इसको 8 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, इसको 10 ले लेते हैं, तो 8 लिया है मैंने बीसी, और एसी है 6, एसी 6 हो गया, एबी हो गया 8, तो बीसी आ जाएगा 10, बिल्कुल ठीक है, एबी आ जाएगा 10, एबी है ना 10, तो ये ए हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना, तो BC 8 हो गया, सही है आप, ठीक है। आगे चलो, तो अब अपने को लाइन डिवाइडिंग द ट्रायंगल एबीसी इन 2 इक्वल रीजंस ऑफ इक्वल एरिया, तो 2 इक्वल रीजंस में बांटना है अपने को, तो देखो ये साइड बड़ी है तो क्या होगा, कुछ परपेंडिकुलर ऐसे के पास होगा, परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरीके के पास होगा, ठीक है ना, किसका, एबी का परपेंडिकुलर। अब ये दोनों एरियाज क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है ना, ये दोनों एरिया क्या हैं, इक्वल हैं, तो अपने को कह रहा है कि बताओ BX की लेंथ क्या होगी, दिस पॉइंट इज X, तो करो फटाफट से, तो ऐसा करो इस लेंथ को कुछ मान लो ना, इस लेंथ को मान लो आप लैम्डा, इसको मान लो म्यू, ठीक है ना, तो ये लेंथ कितनी बचेगी इसमें, ये बचेगी अपनी 10 माइनस लैम्डा, सही है। चलें अब आगे शुरू करें क्वेश्चन, तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी, इसको नाम दे देते हैं अपन, एक्स दिया है तो उसको वाई दे दो, बी वाई एक्स, इसका एरिया क्या आएगा बताओ, इसका एरिया जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि लेमडा इंटू म्यू, सही है, ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब बचा हुआ एरिया क्या होगा बताओ, इक्वल होगा, ये किस एरिया के बताओ, ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हाफ कर दें सीधे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ कर दो ना सीधे, तो हाफ ऑफ हाफ बेस इंटू हाइट, वो कितना आ जाएगा 8 इंटू 6, क्लियर है ये, तो कितना आ गया यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से 8 कैंसिल हुआ तो 4 बचा, तो लेमडा इंटू म्यू आ गया 8 सीजे 24, यानी कि 24, लेमडा इंटू म्यू आ गया 24। अब अपने को देखो, अपने को ये एरिया देखा था एक तो, और दूसरी चीज अपने को और क्या गिवन है इसमें बताओ, अपने को ये भी है कि यदि मैं एक काम ये भी कर सकते हो आप कि ट्रायंगल को दोनों को क्या कर दो, सिमिलर कर दो, किस किस को, BXY को और BCA को, यहाँ से अपने को मिल जाएगा है ना। ये सिमिलर करने की बजाय क्या करो, एक काम ये कर सकते हो, पता है क्या, सिमिलर कर लो, या फिर क्या करो एक काम करो सीधे सीधे क्या कर लो आप, ये एंगल B दिखाई दे रहा है आपको, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं BXY और BCA, इन दोनों में अपना वैल्यू लो किसकी, टेन थीटा की, यानी कि 10B। तो बताओ जरा मेरे को 10B की वैल्यू छोटे वाले ट्रायंगल के लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या हो गया म्यू अपॉन लेमडा, और 10B एक्चुअल में कितना होगा, बड़े वाले ट्रायंगल से आप देखो ध्यान से, तो 10B होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 6/8, दैट इज 6/8। तो यहाँ से लेमडा म्यू में रिलेशन कितना आ गया अपना, ये आ गया म्यू अपॉन लेमडा इक्वल टू 3/4, तो इस वैल्यू उठा के यहाँ रख दो आप, बस कुछ नहीं करना है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, म्यू आ जाएगा। अपने को क्या निकालना है, लेमडा निकालना है, तो डिवाइड कर दो आप, क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कर लोगे, क्या निकालना है, लेमडा निकालना है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 3 लेमडा अपॉन 4 रखो, 3 लेमडा अपॉन 4 तो 3 लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 24। तो 3 8 जा 8 चौक 32 तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 32 का अंडर रूट यानी कि 4√2। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये आ गया 4th है ना। चले आगे नेक्स्ट देखो, कंसीडर दी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो देखो अपने को क्या चाहिए, अपने को ये इक्वेशन देखनी है 3 और कह रहा है कि इफ द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन एंड z नॉट इक्वल टू 0 सॉल्यूशन रखता है, देन वैल्यू ऑफ इसका कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन रखता है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो अपने पास d1 d2 d3 तो क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि डेल्टा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी अपने को क्या मिलेंगे, इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। तो डेल्टा की वैल्यू 0 करने वाला क्या हो गया, सिंपल अपने को क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ 12 b c a 24 c a b 36 इसकी वैल्यू क्या करनी है, 0 करनी है। तो ये जीरो डेल्टा 0 करने के बाद क्या आ जाएगा, अपने पास एबीसी में रिलेशन आ जाएगा मेरे हिसाब से, देखो क्या आ जाएगा, 12 इंटू क्या हो जाएगा, 24 इंटू 36 माइनस बी सी, 24 इंटू 36 माइनस बी सी माइनस बी इंटू क्या आ जाएगा, 36 ए माइनस ए सी और आगे चलो लास्ट प्लस सी इंटू क्या आ जाएगा, ये ए है ना, ये ए है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लास्ट सी इंटू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस 24a इक्वल टू 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना अपने को, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो अपन सिंप्लीफाई कर लोगे इसको है ना, जो भी आएगा मल्टीप्लाई होके। फिर अपने को क्या करना है, ये जो अपने को पूछ रहा है ना, इसका एलसीएम ले लेना। आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा नीचे, a माइनस 12 इंटू बी माइनस 24 इंटू सी माइनस 36। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी माइनस 36b, बी सी माइनस 36b माइनस 24c प्लस 24 इंटू 36। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, सेम 2 के नीचे और सेम इसके नीचे आ जाएगा, 3 के नीचे, 3 से मल्टीप्लाई होकर। तो अब जो क्वांटिटी आएगी ना यहाँ पर, ये एक्जैक्टली वही आएगी जो अपने के पास ये है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, -1/6। ऐसे करना है अपने को, डेल्टा की वैल्यू 0 करनी है, वहाँ से अपने को जो वैल्यू मिल रही है, एक्सप्रेशन मिल रहा है ना, इसकी वैल्यू यदि 0 है तो उसकी हेल्प से यहाँ पुट करके क्या करना है अपने को, इसकी वैल्यू निकालनी है। कर लोगे ना, उसको इस तरीके से करना कि बड़ा सिंप्लीफाई हो जाए ना, कॉमन लेकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर टेंजेंट्स टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ एन इलिप्स दिस वन। अपने को एक इलिप्स दे रखा है और इस इलिप्स की जो एक्सट्रीमिटीज है किसकी, लेटर सेक्टम की, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो उनकी इक्वेशन अपने को दे रखी है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इज लेस देन बी, ए यदि बी से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इलिप्स है वो कैसा बनेगा, वर्टिकल इलिप्स बनेगा, और ये वर्टिकल इलिप्स बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है ये वाली है ना, ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन अपने को दे रखी है। और देखो खास बात क्या है कि जब दे रखी है इक्वेशन इसकी, तो जब इसमें अपन x की वैल्यू 0 करेंगे तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इस लाइन से। तो आप देखो जब x को 0 कर रहे हो आप, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ से 5, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल रही है 5, यानी कि इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना वो मिल जाएगा आपको 0,5। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो पॉइंट होगा एस्टिमेटी का, ये कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे बताओ, इसके कोऑर्डिनेट रहे होंगे a²/b, सही है। अब ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, अब इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी इसके, ये हो जाएगी a² x इंटू a² अपॉन b इंटू a² प्लस y/1, तो y/1 मतलब y इंटू b अपॉन में b² इक्वल टू 1। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसमें क्या करो आप, इंटरसेप्ट से ले लो, a² से a² कट गया, b से एक b कट गया, तो क्या आ गया x अपॉन में b प्लस y अपॉन में b इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गई, x की वैल्यू 0 कर दो तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को 5, तो क्या मिल गया अपने को, ये मिल गया e अपॉन b इक्वल टू 1/5, और यू कैन से b अपॉन e इक्वल टू 5, ये आपको b अपॉन e 5 मिल गया। दूसरी बात, एक चीज और भी अपन कर सकते हैं इसमें, x अपन वो भी निकाल लेंगे, x कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, y को 0 करोगे x की वैल्यू आ जाएगी -10/3, तो वहां से फिर से एक और इक्वेशन मिल जाएगी, उसमें क्या मिल जाएगा a और e आ जाएगा शायद, करें चलो करो करो। y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 10/3, एक मिनट रुकना है ना, इसमें आपने कौन सी वाली इक्वेशन ली थी, है अपन को लेनी है कौन सी वाली इक्वेशन बताओ, ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो कौन सी वाली लोगे आप, ये वाली इक्वेशन लोगे इसके लिए। ठीक है ना, तो बताओ y की वैल्यू 0 करो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x की वैल्यू मिल रही है 10/3, तो रखो इसमें 10/3 अपॉन में b प्लस ये 0 इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10/3, तो b की वैल्यू आ गई 10/3, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी ई की वैल्यू हो जाएगी 5/10/3, तो कितना हो गया ये 2, 3/2 आ गई। ई की वैल्यू कितनी आ गई, कुछ गलती हुई है ना, ई की वैल्यू कम आनी चाहिए ना 1 से, एसेंट्रिसिटी क्या होनी चाहिए 1 से कम होनी चाहिए है ना, एसेंट्रिसिटी 1 से कम होनी चाहिए, तो कुछ गलती हुई है इसका मतलब 5/10, बी की वैल्यू आ गई 10/3, बी इधर जाएगा तो जाएगा 10/3, बी की वैल्यू 10/3 यहाँ रखोगे। अच्छा बी की वैल्यू आ रही है 10/3, 10/3, ई की वैल्यू 2/3 आएगी ना, कुछ गलती कर दी ना, 10/3, 10/3 रखोगे यहाँ पर तो ये आ रहा है 5/10, 2/3 आ रही है ई की वैल्यू, क्या आएगी ई की वैल्यू 2/3, कर लोगे सॉल्व इसको, ई की वैल्यू कितनी आएगी 2/3, ई की वैल्यू 2/3 आएगी, तो ए भी निकाल लोगे एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से। अब ए आ गया ई आ गया, तो लेटर सेक्टम पूछा है, लेटर सेक्टम की लेंथ कितनी होगी बताओ 2a²/b, कर लोगे आराम से इसको है ना। चलें आगे नेक्स्ट, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या करना है अपने को, 16 क्वेश्चन में कह रहा है आपसे लेट x1 इज अ पॉइंट ऑन z(z)=1 एंड z2 इज अनदर पॉइंट ऑन दिस। तो अब अपने को क्या करना है, z1 माइनस z2 का मिनिमम वैल्यू निकालना है अपने को। तो एक काम करते हैं अपन, पहले तो z(z)= क्या होता है अपने को पता है, z(z)= क्या होगा, z बार मॉड ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। तो अपने क्या करते हैं, z को मान लेते हैं x + iota y, x + iota y, तो क्या हो जाएगा यहाँ से mod z हो जाएगा आपका x² + y² का होल स्क्वायर करना है इक्वल टू कितना गया 1। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है ये क्या एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0, 0 एंड रेडियस इज 1। तो सेंटर हो गया इसका 0, 0 और रेडियस हो गया इसका 1। अब अपने को क्या कह रहा है आगे, z2 इस पर प्रेजेंट है ना, इस पर लाई कर रहा है, तो x4 - 3 iota इंटू x + iota y + 4 + 3 iota x - iota y बराबर 15। तो इसको अपन सॉल्व करें तो ये आएगा देखो 4x और 4x कितना हो गया टोटल 8x प्लस iota y को iota y से करो आप, सॉरी 3 iota को iota y से करोगे तो माइनस का 3y iota² यानी कि +3y क्या आ जाएगा +3y, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा +3y, तो प्लस का कितना हो गया 6y और बाकी कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में करोगे तो आप है ना। तो इक्वल टू में क्या आ गया 15, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन -15 = 0। अब ये लाइन आ गई। अब देखो एक लाइन आ चुकी है अपने पास, z2 इस पर प्रेजेंट है और z1 इस पर है, तो अब इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है अपने को। तो इस सर्कल से एक लाइन की जो मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अपन, अपन क्या करेंगे किसी भी पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, तो दिस दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। तो एक काम करो ना, आपको ये तो पता नहीं है पॉइंट कहाँ पर है, तो अपन क्या करते हैं सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं किसकी, लाइन की है ना। तो वो क्या होगी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी इस सेंटर से इस लाइन की, तो वहां पे जहां पर ये कट करेगी सर्कल को वो पॉइंट से उसकी मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ठीक है, सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी लाइन की। तो एक काम करते हैं आप 0, 0 से इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी देखो, तो ये है 8x प्लस 6y माइनस 15, निकालो कितनी आ जाएगी 0, 0 से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 0 - 15 अपॉन में अंडर रूट में कितना आ जाएगा 100, तो ये होगी इसकी मिनिमम डिस्टेंस। इसमें से माइनस कर दें क्या रेडियस, तो आ जाएगा अपने पास ये डिस्टेंस, तो रेडियस कितना है इसका 1 इक्वल टू कितना आ रहा है ये चेक करो, ये आ जाएगा 15/10 यानी कि 5/15, 3/2, 3/2 माइनस 1 कितना आ गया 1/2 आ गया, ये डिस्टेंस कितना आ गया मिनिमम 1/2, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या कह रहा है, कंसीडर एलिप्स ई हाइपरबोला एच एंड पैराबोला पी such that each curve has focus 2, 3 and corresponding directrix x + y - 10 = 0 if α, α1, β, β1 and γ, γ1 are the nearest vertices of ellipse, hyperbola and parabola। तो एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको अपन बना के देखते हैं क्या है क्या नहीं है ये सिचुएशन। तो फोकस है आपका 2, 3, तो 2, 3 यहाँ मान लेते हैं अपन, और लाइन क्या है x + y - 10 यानी कि इंटरसेप्ट है अपने पास 10 यूनिट्स का, तो ये 10 यूनिट्स का है ना। अब आपसे कह रहा है ये फोकस है 2, 3 और ये तीनों के लिए क्या है सेम, इसको s मान लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये तीनों के लिए क्या है सेम, किसके लिए, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के लिए। तो अपने को देखो एक बात बताओ मेरे को आप, तीनों के लिए सेम है ये, तो इसका मतलब कुछ इसको मैं यदि इसकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, फोकस से आप इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो आराम से, पी पॉइंट निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है, पी मान लो, क्यू मान लो, आर मान लो, कुछ मान लो ना, आर मान लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको क्या कह रहा है ये अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन निकालना है। तो एक काम करो ना आप वर्टिसेस आपको लेने हैं, तो पहली बात तो आपको पता है कि अपन डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं पैराबोला की, कि PS/PM इक्वल टू जो E होता है उसमें E की वैल्यू 1 होती है, सेंट्रिसिटी 1 होती है, तो अपन क्या कहते हैं कि जो पी एस इक्वल टू पी एम आ जाता है वहां से, तो क्या बन जाता है पैराबोला। पी एस अपॉन पी एम लेस देन वन, यानी कि पी एम लेस देन पी एम होता है तो क्या बनता है एलिप्स। ये हो गया आपका एलिप्स, ये हो गया पैराबोला, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका हाइपरबोला। किस केस में? पी एस ग्रेटर देन पी एम के केस में। क्लियर? तो एक काम करें फटाफट से अपन, तो पी एस और पी एम यानी कि पी क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया किसका, एस और आर का। तो ये तो मिड पॉइंट आराम से निकाल लोगे आप। तो यहाँ पे कौन लाई कर रहा होगा पता है? यहाँ पे लाई कर रहा होगा आपका पैराबोला, यहाँ पे लाई कौन करेगा पी। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एस एंड आर। अब मैं बात करता हूँ इलिप्स और हाइपरबोला कहाँ आएंगे ना, इलिप्स पी से पहले आएगा या बाद में आएगा, चेक करते हैं। दोनों के दोनों एक तरफ आएंगे। तो देखो सुनो मेरी बात, पी एस लेस देन पी एम है, इसका मतलब क्या हो गया पी से एस की डिस्टेंस है ना, पी से डिस्टेंस है एस की वो कम है किससे पी एम से, तो कुछ ऐसी तो बनेगा एलिप्स, ठीक है ना। और दूसरा क्या पढ़ाया अपने पी एस ग्रेटर देन पी एम है, तो पी एस ग्रेटर देन पी एम वाला क्या हो गया हाइपरबोला, कुछ ऐसे रहा होगा। वैसे तो ये जनरल है ना वाली बात है ना, जनरल सेंस वाली कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, है ना। पी एस इज ग्रेटर देन पी एम ये होता है, ये इसमें पी पॉइंट क्या है अपना, पी पॉइंट पैराबोला पे पॉइंट है इसमें तो, इस केस में तो है ना, उसको रहने दो अभी 2 मिनट के लिए। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी ज़्यादा होगी इससे, किसके केस में हाइपरबोला के केस में। तो समझाने के लिए बस समझा रहा हूँ मैं आपको। तो ये पॉइंट क्या रहा होगा ई, ये पॉइंट क्या हो रहा होगा एच। तो आप ध्यान से देखो तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे, अल्फा कॉमा अल्फा वन, बीटा कॉमा बीटा वन एंड गामा कॉमा गामा वन। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ इन पॉइंट्स को, है ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया गामा, एलिप्स का एक्स कोऑर्डिनेट है अल्फा, और हाइपरबोला का एक्स कोऑर्डिनेट है बीटा। सिर्फ हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमको उसी का कंपैरिजन करना है। तो ये बताओ ये जो अल्फा आएगा, अल्फा वैल्यू जो है वो ये है, जो गामा वैल्यू है वो ये है, और जो बीटा वैल्यू है वो ये है, ये बीटा है क्योंकि ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बीटा। तो आप बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, बीटा देन अल्फा देन गामा। तो अपन कह सकते हैं बीटा इज ग्रेटर देन गामा इज ग्रेटर देन अल्फा। आ रही बात समझ में? आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझ में नहीं आया हो, है ना, वैसे समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है ना कि अपना एलिप्स जो है वो सबसे करीब होगा किसके, फोकस के। उसके बाद क्या होगा पैराबोला, उसके बाद क्या होगा फोकस, ठीक है ना, सबसे ज्यादा कर्वेचर होता है। तो अब सिंपल सी बात है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी, फिर देन पैराबोला देन हाइपरबोला। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो कि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लोगे लाइन से, है ना, इस पॉइंट का। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद क्या करो आप सीधे सीधे ये पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल लो इसका, फिर देख लो चेक कर लो, तभी कोई दिक्कत नहीं है ना। चले आगे नेक्स्ट। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, बीटा सबसे बड़ा होगा, अल्फा सबसे छोटा, ठीक है, गामा बीच में। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर नॉन कोप्लानर वेक्टर सच दैट पी वेक्टर जो है वो ये दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर ये वेक्टर दे रखा है, आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो आपको याद है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के लिए क्या होगा, सबसे पहली बात तो एबीसी क्या है नॉन कोप्लानर हैं, और अपने को ये रहा है देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा क्या होगी, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा क्या होंगी। तो एबीसी दी नॉन कोप्लानर हैं और अपने को क्या कह रहा है वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं। तो लीनियरली डिपेंडेंट है इसका मतलब क्या हो गया, एसटीपी ऑफ पीक्यूआर क्या होना चाहिए 0, यानी क्या हो गया 1 1 1 4 3 4 1 अल्फा बीटा। इसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। तो सॉल्व कर लो उसको, 1 इंटू क्या हो गया 3 बीटा माइनस 4 अल्फा माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये कितना हो गया 4 बीटा माइनस 4, क्लियर बात। लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस 1 इंटू 4 अल्फा माइनस 3। मैंने क्या है R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दिया, इसका जो एक्सपेंशन किया है वो किया है R1 के अलोंग। तो क्या हो जाएगा बताओ 4 बीटा से 3 बीटा माइनस 4 बीटा, तो कितना बच गया, माइनस का बीटा बच गया, सही है। और बताओ आगे माइनस का 4 अल्फा और प्लस का 4, अच्छा अल्फा कट गया, क्या बात है, अल्फा कट गया। और क्या बचा अपने पास, माइनस का माइनस प्लस, प्लस का 4 और माइनस का 3, तो प्लस का 1 बच गया। तो कुल मिला के ये आ रहा है बीटा की वैल्यू तो आ गई 1, बीटा की वैल्यू आ गई 1, अल्फा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो जब वो कैंसिल आउट हो गया इसका मतलब क्या हो सकता है कि अल्फा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, अल्फा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, अल्फा की कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन बीटा की वैल्यू क्या होगी फिक्स होगी कितनी 1। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अल्फा की कितनी वैल्यू होंगी, इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी अल्फा की, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 पर। इफ द लाइन दिस बीटा बिलोंग्स टू आर, ओके, तो आपसे कह रहा है कि साइन बीटा, हाँ सही बात है, साइन बीटा की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, लाइज इन द प्लेन दिस 1, ओके 2x - 5, ओके। तो ये क्या कह रहा है अब आपसे, देन k की वैल्यू निकालनी है, निकाल देते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये जो लाइन है वो लाई कर रही है इस प्लेन में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से होकर लाइन पास हो रही है, वो पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट निकालने पहले तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या हो गया x माइनस 4 अपॉन में साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू वाई माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन कॉस अल्फा। ये आ गया। अब एक काम करते हैं अपन, ये आ गया तो एक काम करो x माइनस एक्स, ये पॉइंट जो है वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, किसको, प्लेन को। तो इसमें ये 4 है, सॉरी 4 है ना, ये क्या है 4, तो 4 कॉमा साइन अल्फा कॉमा 1 सेटिस्फाई करेगा, तो कर दो, करवा दो सेटिस्फाई। एक्स की जगह क्या आएगा 4, 4 टू जा 8 माइनस वाई की जगह क्या आएगा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा साइन बीटा नेक्स्ट, और क्या आएगा कॉस बीटा इंटू जेड, कॉस बीटा इंटू जेड, जेड की वैल्यू क्या रखनी है अपने को 1, तो इक्वल टू में क्या आ गया के। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो हैं उनका और जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होंगे, है ना, 2 माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्यों, क्योंकि बोथ विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या हो जाएगा साइन बीटा इंटू 2, 2 इंटू साइन बीटा, 1 इंटू माइनस साइन बीटा, ठीक है ना। एक मिनट साइन बीटा कहां से ले, साइन बीटा अपॉन 2 आया था ना, ये इसका कॉमन रेशियो, इसका क्या रहा था डायरेक्शन रेशियो, साइन बीटा अपॉन 2 आ रहा था ना, तो साइन बीटा अपॉन 2 आएगा। और आगे चलें 1 इंटू माइनस साइन बीटा, और आगे चलो कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा, तो यहां से क्या आ गया कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये क्या आना चाहिए 0 आएगा ये। तो इसको सॉल्व कर लेना था, साइन बीटा कट गया है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या आ रहा है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर 0 आ रहा है, और यहां से क्या आ रहा है ऊपर से ये। तो एक काम करो, बस अब तो कर लोगे, कॉस बीटा की वैल्यू कॉस अल्फा टर्म से रख दो, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन में ये क्या था 0, तो कॉस बीटा की वैल्यू 0 रख दो, कॉस बीटा 0 है तो साइन बीटा क्या होगा 1 होगा, निकाल लोगे आराम से, के की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। चलें नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर है अपना नेक्स्ट 20। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 4000 इंक्लूडिंग 4000। अच्छा, अपने को 4000 को इंक्लूड करना है बट 1000 को इंक्लूड नहीं करना। कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स दिस इफ ईच डिजिट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कितनी बार रिपीट कर सकते हैं किसको, किसी भी डिजिट को आप। तो देखो कितने डिजिट का बनाना है आपको नंबर, 5 डिजिट का। अच्छा क्वेश्चन है, देखें ध्यान से, 5 डिजिट का बनाना है नंबर, 4 डिजिट का, अच्छा इसके बीच में बनाना है ना। तो 1000 से 4000 ये कितने डिजिट के नंबर हैं, 4 डिजिट के नंबर हैं सारे। तो आप सोचो 1000 से 4000 के बीच नंबर आपको लेके आने हैं, तो कितने डिजिट का बनेगा नंबर अपना, 4 डिजिट का। तो पहले बॉक्स को मैं कितनी तरह भर सकता हूं, इसमें बस 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर आ जाए। तो इसको भरने के तरीके हो गए कितने अपने, 4। इसमें क्या क्या डाल दिया मैंने, 1 2 3 और ये 4। सेकंड, इसमें क्या क्या डाल सकते हैं मन, रिपीट कर सकते हो आप नंबर को, तो इसमें से कोई भी 5 आ जाएंगे। इसको भरने के तरीके हो गए 5, इसको भी 5 और इसको भी 5। तो टोटल अपने तरीके कितने हो गए अपने, 5 5 जा 25 5 जा 125 इंटू 4 कितना हो गया 2500 500, ये आ गया टोटल अपना 500। लेकिन क्या हुआ, इसमें मैंने वो नंबर्स ले लिए जो 4000 से बड़े हैं। आप सोचो यहाँ पे जब 4 आ रहा होगा तो यहाँ पे 0 के अलावा कोई और नंबर आएगा, 0 के अलावा कोई और नंबर आएगा, तो वो नंबर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 4000 हो जाएगा। बट अपने को कौन से नंबर्स लेने हैं, सिर्फ 4000 से छोटे या 4000 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब मैं इसमें से वो माइनस कर दूं जो क्या है अपने पास 4000 से ग्रेटर हैं। तो 4000 ग्रेटर नंबर कौन कौन से होंगे बताओ। चलो इसको अपन अलग से लिख लेते हैं। यहां मैंने 4 को फिक्स कर दिया। अब इन 3 बॉक्स में मैं क्या क्या भर सकता हूं, इसमें मैंने 0 के अलावा कुछ भी डाला होगा तो वो सारे नंबर्स क्या हो गए होंगे 4000 से ग्रेटर। तो इसमें अपन ने क्या क्या डाल दिया, मान लो 1 2 3 4, मतलब इनमें से कोई भी नंबर डाला होगा इन तीनों में, तो वो नंबर क्या होगा 4 से बड़ा होगा, 4000 से बड़ा होगा। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ये कितने केस हो गए, ऐसे कितने नंबर्स आ गए जो 4000 से बड़े हैं। 4 4 जा 16, 16 4 जा 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो गया अपना, एक मिनट रुको, यदि मान लो ऐसे मान लू मैं यहाँ पर आया होगा 4, ऐसा भी कर सकते हैं ना अपन, ये भी तो सोच सकते हैं ना। या फिर एक काम करें अपन, 4 यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे 4 के बाद बनने वाले सारे नंबर ले लें अपन, और उसमें से माइनस कर दें कौन सा वाला, सिर्फ एक नंबर कौन सा वाला जिसमें 4000 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा अपना सीधे सीधे आ जाएगा। तो एक काम करते हैं अपन, एक मिनट रुको, है ना, ऐसे समझो मैंने क्या किया, इसमें दिक्कत क्या आई, इसमें अपने को इसमें वो दिक्कत आ गई कि अपन ने क्या किया 4 डिजिट के वो सारे नंबर बना लिए जो 1000 से तो बड़े हैं लेकिन 4000 से भी बड़े हैं। अपने को 4000 से बड़े जो नंबर है उनको हटाना है, तो क्या हो जाएगा, अपन सीधी सीधी यहाँ पे 4 फिक्स कर दिया मैंने, तो इसको बढ़ने के तरीके कितना हो गया, 1। अब इस 3 बॉक्स को बढ़ने के तरीके कितने रहेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 सीधे सीधे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गई है, 125। अब इसमें क्या आ गया, 4000 भी आ गया इसमें, तो क्या करा मैंने, टोटल वो नंबर जो 1000 से तो बड़े हैं बट 4000 से छोटे या उसके बराबर हैं, तो वो सारे नंबर्स की संख्या क्या होगी अपनी, 500 टोटल माइनस क्या करूं मैं 125 और प्लस वन क्यों किया है मैंने, क्योंकि मेरे को क्या लेना है, 4000 को इंक्लूड करना है, तो क्या हो गया इसका मतलब +1। अच्छा अब एक बात और सुनो, जब यहाँ पर 1 आया होगा और यहाँ पर 000 आया होगा तो इसका मतलब वो नंबर भी इंक्लूड हो गया होगा, तो वो नंबर इंक्लूड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि 1000 से मेरे को क्या चाहिए, नंबर बड़े चाहिए, ग्रेटर चाहिए, तो -1। तो कुल मिला के अपना क्या आंसर आ गया इसमें, 375। सही है, क्या आ जाएगा 375। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट कर दूं मैं क्वेश्चन को, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपने नंबर्स कौन कौन से ले सकते हो, 1 2 3 4 में से कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि नंबर 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो पहले मैंने वो सारे नंबर निकाल लिए जो 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, किसको, 1 2 3 4 और 0 को यूज करके। तो 4 डिजिट के नंबर कितने बन गए टोटल 500, उसमें से वो नंबर हटा दिए जो 4000 से बड़े हैं, तो वो नंबर कितने होंगे 125। लेकिन 4000 से बड़े नंबर में क्या हो गया, 4000 इंक्लूड करना था अपने को, तो 000 जिसमें 000 यहाँ आएगा वो नंबर मैंने क्या कर लिया, उसमें ऐड कर लिया, यानी कि +1। और लास्ट में क्या किया हमने, इसमें 1000 भी इंक्लूड हो गया था, तो 1000 को और सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि -1। तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा, 375। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन डी है ना, इंटीजर टाइप। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है अपना, लेट एफ बी ए फंक्शन 3 to 4 से 3 to 4 बी अ बाइजेक्टिव डिक्रीजिंग फंक्शन। बाइजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है अपना, 1 1 भी है फंक्शन और on 2 भी है, तो 1 1 है और on 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, अपन ये कह सकते हैं कि फंक्शन, अच्छा साथ में लिखा हुआ है डिक्रीजिंग, इसका मतलब 1 1 on 2 का मतलब क्या है कि 1 1 on 2 भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि मैं f में फंक्शन में 3 रखूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, और f 4 पे वैल्यू चेक करूंगा तो क्या आएगा 3। x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू घट रही है, और x की वैल्यू कम है तो y की वैल्यू ज्यादा है, सीधी सी बात, ठीक है। तो क्या हो गया इसका मतलब F3 आएगा 4 एंड F4 आएगा 3। तो इससे मैं अपने को निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है इसमें, आप चेक करो जरा, अपने को चेक करना है वैल्यू ऑफ, सॉरी इंटीग्रल ऑफ 3 to 4 लिमिट है अपनी (fx - f inverse x)। तो एक काम करते हैं, पहले इनवर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ से इनवर्स वैल्यू निकालना है अपन, तो बताओ जरा यहाँ से यदि F3 4 है तो F inverse 4 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से F inverse 3 कितना आ जाएगा 4। ये क्लियर है बात, फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स निकल सकता है ना, एग्जिस्ट करेगा। चलें आगे, तो अब बताओ इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें इनवर्स आ जाएगा ना, तो उसमें क्या करो आप दोनों को सेपरेट कर लो, और बाद में क्या होता है फंक्शन कैंसिल आउट हो जाता है अपनी आप है ना आपस में, सॉरी, -3 to 4 F inverse x dx, और ऐसे फंक्शन क्या करो आप x को रिप्लेस कर दो ft से, है ना, पुट कर दो इसमें, क्या पुट कर दो x equal to ft, तो x equal to ft रखोगे तो dx equal to क्या आ जाएगा यहाँ से f dash t dt। सही है, क्या किया मैंने, पहले फंक्शन बाइजेक्टिव था, डिक्रीजिंग था, तो 3 पे 4 आएगा, 4 पर 3 आएगा, उससे इनवर्स की वैल्यू निकाल ली। अब मैंने क्या किया उसके बाद इंटीग्रल को अलग अलग कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने पे क्या हुआ, ये इनवर्स जो फंक्शन है उसमें मैंने x की जगह ft रख दिया, तो फंक्शन क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन बन गया ना, इनवर्स से हटके नॉर्मल फंक्शन आ गया। क्या बन गया देखो जरा, ये बन गया फंक्शन अपना, इसकी जगह तो हमने t आ गया है ना, ft रखेंगे तो t आ जाएगा t into f dash t dt, ये आ गया। अब लिमिट क्या आएगी बताओ मेरे को आप, लिमिट क्या आएगी देखो, x की वैल्यू जब 3 रखोगे आप तो 3 वैल्यू कब मिलेगी ft में, t क्या रखें अपन, मैंने बोला x की वैल्यू जब 3 रखोगे तो 3 वैल्यू कब मिलेगी x में, जब अपन फंक्शन में t की वैल्यू क्या रख दें ft, कितना चाहिए अपने को, देखो समझो बात को, 3 equal to क्या है ft, तो ये क्या हो गया F inverse 3 बराबर t, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, यहाँ से समझ में आ गई बात, F inverse 3 बराबर क्या है 4। सही है, और दूसरा ऐसे बताओ F inverse 4 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो लिमिट क्या आ गई इसकी बताओ 4 से 3 आ गई, लिमिट क्या आ गई इसकी 4 से 3, समझ में आ रही होगी बात। चलें नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा, ठीक है। चलो f तो इसको सॉल्व करना है अपने को, 4 से 3 t f dash t dt, और इसके आगे लिखा हुआ था आपके सामने, ये माइनस में है, और इसके आगे लिखा हुआ था 3 to 4 f x dx। चलें आगे आप देखें ध्यान से, इसको मान लो आप सेकंड फंक्शन, इसको मान लो आप फर्स्ट, या फिर इसको ये डिफरेंशिएशन है तो इसको मान लो सेकंड और ये मान लो फर्स्ट फंक्शन। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये तो चल ही रहा है अपना 3 to 4 fx dx माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, एफ टी 4 से क्या हो गया 3 लिमिट माइनस माइनस हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 से 3 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एफ टी डी टी। अब आप देखो बस वेरिएबल ही तो चेंज है, एफ एक्स डी एक्स एफ टी डी टी। यहाँ पे लिमिट क्या है 3 से 4, यहाँ लिमिट क्या है 4 से 3। तो लिमिट को आप इंटरचेंज करोगे तो साइन क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें आप लिमिट पुट करके आंसर अपना निकाल लोगे, कर लोगे ना। 3 इंटू एफ थ्री की वैल्यू क्या रखोगे आप 4 और F4 की वैल्यू क्या रखोगे 3, कर लोगे सॉल्व आराम से हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, S इक्वल टू दे रखा है अपने को, इनफिनिट सीरीज दे रखी है, उसका सम है क्या S, तो अपने को 4S की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आप क्या करो, देखो अपने को दिख रहा है ना आधी, तो ये क्या बन रही है जीपी बन रही है ना। जो नीचे टर्म्स हैं वो किसमें है जीपी में, 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब है ना। तो अब हो क्या रहा है देखो, आप ऊपर वाला एपी में नहीं है, ऊपर वाला एपी में नहीं है, तो क्या करो आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके और एक टर्म शिफ्ट करके क्या कर दो माइनस कर दो। आपको पता है आता है ना मेथड ऑफ डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा 3/5 स्क्वायर इंटू 10 प्लस 10/5 क्यूब एंड सो ऑन। सही है, अब क्या हो जाएगा बताओ, माइनस करो आप तो 1 माइनस 1/5 कितना होगा 4/5 इंटू एस इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 3/5 प्लस 10 माइनस 3 कितना हो गया 7/5 स्क्वायर प्लस 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा 11/5 क्यूब एंड सो ऑन। अब इसमें क्या करो एक बार और लगाना पड़ेगा आपको। अब बन रहा है ये एजीपी की फॉर्म बनने वाली है ना। कैसे देखो, ये 3 और 4 7 और 4 11, तो एक बार और 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर इंटू एस इक्वल टू, एक टर्म शिफ्ट करो और माइनस करो तो 3/5 का स्क्वायर प्लस 7/5 का क्यूब एंड सो ऑन, ये हो गया। अब इसको घटा दो एक बार और तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो 4/5 माइनस 4/5 का स्क्वायर कितना बचेगा 25 माइनस 4 21 21/25 एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4/5 स्क्वायर प्लस 4/5 क्यूब एंड सो ऑन, कहाँ तक इन्फिनिट तक। तो अब इसको कर लो सम आप, तो कितना हो गया ये देखो 3/5 प्लस क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर, तो a अपॉन 1 माइनस आर करोगे कितना होगा a कितना है 1/5 का स्क्वायर, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1/5। सॉल्व कर लो इसको, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे यहाँ से s की वैल्यू निकाल लोगे आराम से। करूँ क्या मैं 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/5, तो 4/5 आ गया ये। और यहाँ पे कितना था 21/25 5 जा 25, तो s की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20/21। क्या हुआ इसमें, एक मिनट दोबारा चेक कर लो, ये कितना जाएगा 4/5, तो 4/5 से 4/5 कट गया 1/5 बचा, तो ये हो गया आपका 4/5। तो यानी कि ये आ गया, कुछ गलती कर दी मेरे ख्याल से, 21/25 आ रहा है ये, चेक करो 4/5 माइनस 4/25 तो 5 जाएगा इधर 16 अपॉन आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है 16 है ना। 4/5 में से 4/25 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4/5 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 4/5, तो 16/25 आ रहा है ये, तो 16 आएगा ये, कितना आएगा 16, तो 16/25 मतलब हो गया यहाँ पर है 16/25। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 5 चला जाएगा 4 4 जा 16, तो s की वैल्यू क्या आ गई, s की वैल्यू आ गई आपकी 5/4। s की वैल्यू आ रही है भाई 5/4, s की वैल्यू आ रही है 5/4। क्या निकालना था अपने को 4s, तो 4s निकालना तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, क्या आ जाएगा 0.5। चलें आगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखो, इफ x इज ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन 1, z ग्रेटर देन 1 एंड x स्क्वायर बराबर क्या है yz, तो आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो एक काम करो, ये अपने किसमें जीपी में, तो y x z किसमें आ रहे हैं जीपी में आ रहे हैं, इसके हिसाब से तो आप इसको कॉमन रेशियो r मान लो, इसका कॉमन रेशियो r मान लो, तो क्या हो जाएगा YR और YR स्क्वायर। मैंने क्या किया कॉमन रेशियो R मान के X और Z की वैल्यू Y के टर्म्स में लिख ली। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ से देखो log ऑफ नीचे क्या है z इंटू एक्स, तो z इंटू एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा z इंटू एक्स, क्या आ जाएगा y इंटू आर क्यूब। समझना ध्यान से, क्या किया मैंने x इंटू जेड किया, मैंने पहले कॉमन रेशियो r मान लिया तो उससे x और z ना सेम वेरिएबल के टर्म्स में आ गए r और y में। यहाँ पर क्या है x इंटू वाई की पावर 4 इंटू जेड, तो x क्या है मेरा y, y क्या है मेरा y, तो मेरा है नहीं x था मेरा वाई आर, तो y इंटू आर आएगा। और y की पावर 4 का मतलब क्या हो गया सिंपल y की पावर 4, और z का मतलब क्या हो गया वाई आर स्क्वायर, सही है। इनटू में क्या आएगा लॉग, बताओ क्या हो जाएगा लॉग, लॉग के साथ आएगा मेरा बेस क्या है एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का मतलब क्या हो गया एक्स इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर आर, तो नीचे आ गया वाई स्क्वायर आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो ये क्या है अपना, ये अपना एक्स वाई जेड की पावर 4, तो एक्स इंटू वाई और जेड की पावर 4, तो वाई स्क्वायर आर जेड की पावर 4 यानी कि वाई की पावर 4 आर की पावर 8, ये आ गया। तो कुल मिला के ये आ गया। अब इसको अपन को सॉल्व करना है थोड़ा सा, तो अब क्या हो जाएगा यहां से देखो इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, अपन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा y की पावर 6 आ गई, r की पावर कितना है 3, लॉग ऑफ बेस क्या है इसका वाई स्क्वायर आर क्यूब, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा ये अपना आगे चलो और लॉग ऑफ वाई स्क्वायर आर, और यहां पर क्या आ रहा है वाई की पावर 6 आर की पावर 9। अब कुछ नहीं करना अपने को, सॉल्व करना है, तो देखो क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे तो क्या कर लेंगे अपन, देखो इसमें से पावर 3 इसका होल क्यूब लिख के आगे ले जाओ, इसका भी होल क्यूब लिख के आगे ले जाओ, है ना। तो ये ना सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा सारा सारा, यहां तो क्या बचेगा देखो क्यूब करोगे तो वाई स्क्वायर आर, और लॉग ए टू द बेस बी को लिख दिया मैंने लॉग ए अपॉन लॉग बी वाई स्क्वायर आर क्यूब। इनटू में यहां क्या आएगा देखो यहाँ पे भी क्यूब हो रहा है किसका वाई स्क्वायर आर क्यूब का, तो वो भी क्यूब आगे चला गया था, आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ वाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा लॉग ऑफ वाई स्क्वायर आर, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आंसर आ गया इसका अपना 9 आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा 9 आएगा। देखो क्या करना है, इफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन दिस वन बी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के रूट्स हैं, तो क्या मान लें अपन इसको मान लेते हैं अल्फा, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 मान लिया। अब इन तीनों का सम क्या होगा बताओ, सम ऑफ रूट 3 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, क्लियर है बात। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 सॉरी इंटू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस का भी आ जाएगा, एंड लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2, ये कितना आ जाएगा अपना माइनस सी, क्लियर बात। तो अब अपने को क्या करना है, इसमें अपने को कह रहा है कि ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करें ना अपने को सी से मतलब ही नहीं है तो सी को रहने देते हैं, सिर्फ अपन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो बताओ ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है बात मेरी। दूसरी बात यहाँ से बी की वैल्यू निकालो आप, तो देखो अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से 3, तो अल्फा स्क्वायर आ गया, सही है बात। दूसरी बात 3 अल्फा स्क्वायर आ गया तो अल्फा, और यहाँ से 3 अल्फा 4 अल्फा, 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना हो गया 6 अल्फा, यहाँ से आ जाएगा प्लस कांस्टेंट कितना आएगा 1 और 1 1 इंटू 2 2 बराबर में कितना आ गया b, तो b प्लस 1 चाहिए आपको तो दोनों तरफ प्लस 1 कर दो आप, तो कितना मिल गया b प्लस 1। अब a स्क्वायर अपॉन में b प्लस 1 करना है तो सॉल्व कर दो इसको आप बस, अब तो कितना हो गया ये 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 3 बराबर b प्लस 1। अच्छा इसमें से 3 कॉमन आ गया और अंदर वाला अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो इसका मतलब अल्फा प्लस 1 के होल स्क्वायर से अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, कितना आंसर आ जाएगा इसका 0 3 आ जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन देन, तो क्या करोगे आप, आपको इक्वेशन दे रखी है इसके रूट्स निकाल लो आप, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आएगा 2a, तो कितना आ गया ये माइनस का रूट 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा रूट 2 आयोटा अपॉन में 2, तो ये आ गया माइनस का 1 बाई रूट 2 प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 आयोटा, ये आ गया। तो इसको आप देखो ध्यान से, तो ये x की दो वैल्यूज हैं जो रूट्स क्या हैं अल्फा और बीटा हैं, तो मैंने अल्फा को मान लेता हूँ, क्या अल्फा को मान लेते हैं अपन माइनस का 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस बी आएगा ना, तो माइनस बी प्लस हो गया ना, क्या लिखें माइनस का 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट टू इंटू आयोटा, ये तो मैंने क्या मान लिया अल्फा, और बीटा क्या मान लिया मैंने, बीटा मान लेते हैं अपन 1 बाई रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू आयोटा, ये मान लिया मैंने बीटा। ठीक है, अब अल्फा मान लिया, बीटा मान लिया। अब देखो देखो ध्यान से, तो ये किसकी वैल्यू है कॉस पाई बाई 4 और ये किसकी है साइन पाई बाई 4। तो एक काम करो, इसको पोलर फॉर्म में लिख लो। कैसे लिख लो, e की पावर आयोटा पाई बाई 4 थीटा, सही है, पाई बाई 4 थीटा, थीटा की जगह क्या आ गया पाई बाई 4, ठीक है ना। तो आई पाई बाई 4। तो अब एक बात बताओ मेरे को आप, अल्फा हो गया आपका ई टू द पावर आई पाई बाई 4 और बीटा है आपका ई टू द पावर आई माइनस पाई बाई 4, सही है। तो एक बात बताओ मेरे को आप, यदि मैं आपसे कहूं अल्फा की पावर 50 निकालनी है आपको, तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा 50 पाई बाई 4 आयोटा, और अपना बीटा की पावर 50 कितनी हो जाएगी, बीटा की पावर 50 हो जाएगी आपकी ई टू द पावर आई माइनस 50 पाई बाई 4, ये हो जाएगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये क्या हो जाएगा कॉस 50 पाई बाई 4। इसको आप एक काम करना, सॉल्व करोगे तो 25 पाई बाई 4 आ जाएगा, और 25 पाई बाई 4 को अपन आराम से सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो, आराम आ जाओ, इधर आ जाओ, अल्फा की पावर 50 प्लस बीटा की पावर 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 पाई बाई 4 को क्या हो जाएगा सॉल्व करके 25 बाई 2। तो इसको लिख सकते हो आप कॉस 25 पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, आई साइन कितना हो जाएगा 25 पाई बाई 2, और प्लस में क्या आएगा इसमें बीटा की पावर 50, और बीटा की पावर 50 क्या हो जाएगा कॉस 25 पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा आई साइन 25 पाई बाई 2, ठीक है ना, सही है। तो बस सॉल्व कर लो इसको आप, क्या हो जाएगा देखो, सीधे ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बच गया अपना, ये बच गया अपना कॉस 25 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी कॉस, इसको लिख देना आप 12 पाई प्लस पाई बाई 2, इसको आप क्या लिख सकते हो 12 पाई प्लस पाई बाई 2। तो 12 इवन पाई प्लस थीटा क्या होता है कॉस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये भी क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये तो हो जाएगा कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 0 हो गई, और ये भी क्या आ गया अपना साइन 25 पाई बाई 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया अपना 0 आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये था आपका मैथ्स का सॉल्यूशन, ठीक है, मेजर था ये आपका 4th, 2 मेजर और बचे हैं ना, अच्छी तैयारी करो, थैंक यू।